mccarthy believe, believes that children are diverse. they have diverse needs, they have diverse learning styles, and they have diverse uh, interests and abilities also. second, that we have left and right brain, and our brains, they have uh, left and right brain. they perform different functions. the usenjo format model, banaya, उसने इन दोनों चीज़ों को सामने रख के फिर बनाया उसने एक साइकिल जो बनाया इट इंक्लूडेड फोर क्वाड्रेंट्स देखते हैं कि ये मॉडल क्या है आपको ये स्लाइड पे नज़र आ रहा है कि इस मॉडल के फोर पार्ट्स हैं एक मीनिंग द अदर वन कॉन्सेप्ट देन स्किल्स एंड देन अडेप्टेशंस अगर हम स्टार्ट करें मीनिंग वाले में इसको आपको अंदर नज़र आ रहा होगा वाई कॉन्सेप्ट के अंदर वट देन स्किल्स के अंदर हाउ और अडेप्टेश में इफ़ नज़र आ रहा है इसके अंदर वाले क्वाड्रेंट के अंदर आप अंदर वाले सर्कल में चले जाएं, तो आपको नज़र आ रहा होगा वाई के नीचे लिखा हुआ है कनेक्ट देन अटेंट फिर वट के अंदर आपको ब्लू में नज़र आ रहा है इमेज एंड इनफॉर्म नेक्स्ट में हाउ के अंडर दो पार्ट्स हैं प्रैक्टिस एंड एक्सटेंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको रिफ़ाइन नज़र आ रहा है और परफॉर्म नज़र आ रहा है अब इसके अंदर अगर आप देखें तो कनेक्ट के नीचे राइट right, फिर अटेंड में लेफ्ट फिर इमेज में राइट right, इनफॉर्म में लेफ्ट आपको नज़र आएगा प्रैक्टिस के अंडर लेफ्ट और एक्सटेंट के अंडर राइट है रिफाइन के अंदर लेफ्ट right है. है और परफॉर्म के अंदर राइट right है आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो फोर क्वाड्रेंट्स हैं इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं कि आप स्टार्ट करते हैं मीनिंग से फिर कॉन्सेप्ट आता है फिर स्किल्स डेवलप होती हैं फिर अडेप्टेसन का लेवल है इनके अंदर जो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं कि इवन के आपने अगर मीनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले बच्चों को कनेक्ट की स्टेज पर लाते हैं तो जो कनेक्शन पार्ट एज़ फंक्शन ऑफ राइट ब्रेन जबकि अटेंट पार्ट इज़ फंक्शन ऑफ़ लेफ़्ट ब्रेन सो इस मॉडल की खूबसूरती ये है कि इसने डाइवर्स लर्निंग नीड्स को भी एड्रेस करने की कोशिश की है और साथ साथ के अंदर इसने लेफ्ट और राइट ब्रेन के फंक्शन को भी डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई किया है इसको एक मिसाल से समझते हैं कि टीचर ने फॉर एक्ज़ाम्पल साइज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो टीचर क्या कर सकता है कनेक्ट पार्ट कनेक्ट मीन्स के बच्चों के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ टीचर ने उसको कनेक्ट करना है अब इसमें क्या हो सकता है कि टीचर जो है बच्चों के लिए साइज का कॉन्सेप्ट देना तो बच्चों का डिफरेंट एक छोटी सी एग्जीबिशन कर ले डिफ़रेंट कपड़े रख दे वहाँ पर उसमें बच्चों के लिए कैप्स भी हों टाइज भी हों मे बी कुछ जूते भी हों या कुछ और चीज़ हो सकती है अगर कपड़ों की बात नहीं है तो साइजेस के लिए रिंग्स रख सकती है टीचर वहाँ पर इसी तरीके से बच्चों के लिए कुछ बैंगल्स रखी जा सकती हैं आ, कुछ रिबंस दिए जा सकते हैं या कुछ और किया जा सकता है उसमें बच्चों को कहा जाएगा कि आप इनको पहन कर देखें बच्चे जो हैं उन्होंने पहले वो चीज़ें पहनी होंगी अगर कैप है तो कैप बच्चे पहनते रहते हैं शूज़ है सॉक्स है ये सारा कुछ बच्चों ने पहले एक्सपीरियंस uh, किया हुआ होता है तो आपने ये जो काम करना है ये वही काम करना है विच स्टूडेंट्स ऑलरेडी डू तो आपने उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है नेक्स्ट इज अटेंड पार्ट अटेंड के अंदर क्या आएगा आप बच्चों से कहेंगे अब आप देखें कौन सी कैप्स आपको पूरी आ रही हैं कौन सी नहीं आ रही कौन सा कोई बच्चा ठीक तरीके से ले रहा है कौन सा नहीं तो बच्चे उसको अटेंड करेंगे वो देखेंगे कि उसमें फाइव और सिक्स चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके साइज़ की हैं कुछ और चीज़ें हैं जो कि दूसरे बच्चों के साइज़ की हो सकती हैं तो इससे वो अटेंड होंगे एक और मिसाल ले लेते हैं कि अगर बच्चों को आपने मैथमेटिक्स के अंदर एलजब्रिक एक्सप्रेशन के uh, सिखाने हैं और उसकी एडिशन सिखानी है तो आप बच्चों को जो कनेक्ट पार्ट के अंदर आप वो चीज़ें सिखाएंगे जो के uh, बच्चे ऑलरेडी एडिशन में सीख चुके हैं वो अलजब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन नहीं होगी बल्कि वो सिंपल एडिशन होगी यू विल कनेक्ट चाइल्ड्स एक्सपीरियंसेस विद समथिंग विच यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूसड नेक्स्ट तो पहला जो ये पार्ट है इसमें आपने बच्चों से सिंपल सवाल हल करवा लें एडिशन के मे बी आर गोइंग टू से कि मिस और सर ये तो हमें पहले से आता है आप उनसे कहें कि डू इट अगेन क्योंकि आपने उसको उनकी नई लर्निंग के साथ कनेक्ट करना है अगर आप बच्चों को एवरेजेस वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं सो Try to see what children already know. आप उनको connect करें, maybe के बच्चों के cricket के experiences के साथ या बच्चों की prior learning है about temperature variation, कोई उन्होंने देखा हुआ हो, graph वैरा या कोई averages वैरा निकाली हुई हो, so you may connect through these things. और फिर attend के अंदर आप देखेंगे कि बच्चों ने इंडिविजुअल uh, बच्चों के क्या एक्सपीरियंसिस हैं वट कैन दे टॉक अबाउट हम अपनी एग्जाम्पल uh, में आते हैं जो uh, हमने एडिशन की एग्जाम्पल ली तो यहाँ पे आपने बच्चों को कहा कि एडिशन करें सारे बच्चों ने की आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि अच्छा आपने एडिशन कैसे किए बच्चों के अपने उसमें मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कुछ बच्चे फिंगर्स से एडिशन करते हैं कुछ बहुत बड़े होके भी फिंगर्स से करेंगे कुछ बच्चे जो हैं वो टेंस के ग्रुप्स बना लेते हैं और उससे एडिशन करते हैं किसी तरीके से भी आप बच्चों से कहेंगे उनके इंडिविजुअल क्या है तरीका सो यू आस्क स्टूडेंट्स टू अटेंड टू दैट दैट थिंग नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कॉन्सेप्ट का वट डू वी टीचर्स डू हम करते हैं जो हमारी लेसन प्लानिंग भी होती है मोस्टली दैट स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट वाई वाला पोर्शन उसमें नहीं होता

टू देयर एक्सपीरियंसिस यू डू नॉट अटेंड टू देअर प्रीवियस लर्निंग जब आप ये कर लेते हैं तो देन यू कम टू वट पार्ट और वट पार्ट पे आपको नजर आ रहा है इट इज अबाउट इमेज एंड इनफॉर्म इमेज यहाँ पे आप बच्चे से कहते हैं कि इमेजिन वट डज द न्यू थिंग लुक लाइक अगर हम एल्जरिक एक्सप्रेशंस ही करवाने जा रहे हैं तो हम बच्चे को लिख के देंगे और हम बच्चे से कहेंगे सवाल करेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये किस बारे में है ये कैसा नज़र आता है आप इसको डिस्क्राइब करें सो यू आस्क चिल्ड्रन टू इमेजिन कि व्हाट इज़ इट अबाउट आप इस पार्ट के अंदर बच्चों से ब्रेन भी करवा सकते हैं जहाँ पे आप बच्चों से आइडियाज़ लेंगे और वो आइडियाज़ आ जाएंगे एंड देन यू मूव फर्दर आपने ऐसे राइटिंग बच्चों को करवानी है तो बच्चों के लिए समथिंग न्यू आप कोई नया कॉन्सेप्ट बच्चों को किसी नए टॉपिक पे करवाने जा रहे हैं और आप उनको सिखाना भी चाहते हैं तो यू मे आस्क देम टू कम अप विद देयर ओन थाट्स ऑन अ सर्टन टॉपिक यू लिस्ट देम डाउन उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाते हैं दैट इज़ अबाउट इनफॉर्म इनफॉर्म स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पर आप बच्चे को नॉलेज देते हैं सो so, हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जब आपने बच्चों से कहा आपने उनके एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करना है उनके एक्सपीरियंसेस को अटेंड करना है आपने ये देखना है कि बच्चों को क्या क्या कुछ आता है वहाँ पर वो बच्चे जो है इनफैक्ट अपनी लर्निंग का ही मीनिंग निकाल रहे होते हैं जो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर जो हम कहते हैं ना कि बच्चे जो हैं उनको आपने एक कनेक्ट किया और फिर आप उनको बताएंगे वो उनके लिए भी है कि दे अटेंड टू देयर ओन लर्निंग यू अटेंड टू देयर लर्निंग बट दे अटेंड टू देयर ओन लर्निंग अगर हम साइजेस वाले एग्जाम्पल दें तो उसमें हम ये कहेंगे कि वो बच्चे ख़ुद से बताएंगे कि हमें क्या साइज़ पूरा आता है और क्या नहीं आता फिर वो ये ख़ुद बताते हैं कि क्या मेरा हाथ का साइज बड़ा है या छोटा है क्या मेरे सर का साइज़ बड़ा है मुझे कैपुरी आ रही है या नहीं आ रही है कैन आई होल्ड दीज मैनी बीड्स इन माई हैंड्स और नॉट तो चिल्ड्रन अटेंड टू देयर ओन लर्निंग एंड यू अटेंड टू देयर लर्निंग ऑल्सो तो वर्ट के अंदर सबसे पहले आप उनको इमेजिनेशन पे लेकर जाते हैं उनसे सवाल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको ये कैसा नज़र आता है एंड देन यू इन्फॉर्म चिल्ड्रन वट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हम ये इस जो क्वाड्रेंट है जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट है कॉन्सेप्ट के हम इसकी थर्ड स्टेज से स्टार्ट करते हैं क्लास के अंदर गए बच्चों से कहा कि ऑल राइट स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक्स और फिर उसके अंदर से रीडिंग करवा दी और हमने बच्चों को वो नॉलेज दे दिया और वो भी खुद नहीं दिया मोस्टली थ्रू टेक्सट बुक वी यूज टेक्सट बुक एज अ टूल तो हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अगर हम इस लेवल से स्टार्ट करेंगे हमें नहीं पता कि हमारे बच्चों की ऑलरेडी लर्निंग क्या है हम उनकी डाइवर्सिटी को नहीं जानेंगे हम उनकी डाइवर्सिटी को जानते हैं अटेंड की स्टेज के ऊपर और इमेज के स्टेज के ऊपर या इमेजिन के स्टेज के ऊपर हम इन दो जगहों के ऊपर उनको जानते हैं अगर हमने उन इन दो पॉइंट्स के ऊपर हम नहीं बच्चों को लेकर आए हाउ कैन वी गिव दैम राइट इन्फॉर्मेशन हाउ कैन वी इन्फॉर्म देम फिर तो ऐसा ही होगा कि हम उनको बता रहे हैं क्लास में तीन चार बच्चे सुन रहे हैं दे आर अटेंटिव दे आर लिसनिंग टू यू रेस्ट ऑफ दैम आर नॉट मोटिवेटेड उनको पता ही नहीं कि टीचर क्या करवा रही हैं या क्या करवा रहा है So, we need to uh, take students through these three steps before moving to the inform stage. Then comes the skills quadrant. Skill quadrants ke under The first one is practice, and the next one is extent. Ham jante practice is of different kinds. This can distributed practice be hai, practice be और फिर आपके पास ब्रीफ uh, प्रैक्टिस भी है एक्सटेंडेड प्रैक्टिस भी है जो आप यहाँ पर आप प्रैक्टिस जब बच्चों को करवाएंगे मींस यू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसलेट द इनफॉर्म्ड थिंक इनटू प्रैक्टिस ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपने बच्चों को सिखा दिया आपने बच्चों को ग्रामर रूल्स बता दिए उसके बाद आप बच्चों को कहते हैं कि प्रैक्टिस करें उन ग्रामर रूल्स को अप्लाई करने की आपने बच्चों को बता दिया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं नाउन्स क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं फिर आप उनको प्रैक्टिस देते हैं कि इस टेक्स्ट में से सेहदा अलीदा करें नाउन्स कौन से हैं एडजेक्टिव्स कौन से हैं वर्ब्स कौन से हैं तो यू प्रोवाइड देम प्रैक्टिस टाइम मैथ्स के अंदर भी आप एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं एक फार्मूला बता दिया उसकी फार्मूला की एप्लीकेशन के लिए आप फिर प्रैक्टिस टाइम दे देते हैं सो प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फिर आ जाती है आपके पास एक्सटेंट ये भी आपकी स्किल है हमने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के लेसन के अंदर ये पढ़ा था कि स्किल जो है वो होती है जो कि ऑटोमेटिक हो कि आप प्रैक्टिस करके एक स्किल सीख लें लेकिन फिर आप उस प्रैक्टिस uh, के नतीजे के अंदर उस स्किल को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के काबिल हो जाए आपने एडिशन आपको आ गई है, अब आपको कोई सी भी एडिशन दे दी जाए यू शुड बी एबल टू परफॉर्म दैट एडिशन ऑटोमेटिकली आपको uh, उसको दोबारा से प्रैक्टिस की ज़रूरत ना हो तो एक्सटेंड के अंदर आप बच्चों को एक्सटेंडेड प्रैक्टिस देते हैं so once you give children extended practice then they are able to reach to the to the level of over learning or jisko hum kehte hain extended learning so extended learning ke liye over learning ke liye extended practice is needed तो हमने बात की कि सबसे पहले हमने meaning quadrant पे जाना है फिर हमारे पास next quadrant आएगा that is concept quadrant then there is third quadrant skill quadrant इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट दैट क्वाड्रेंट इज अडेप्टन देखते हैं इसमें दो चीज़ें हैं वन इज रिफाइन एंड द अदर वन इज परफॉर्म रिफाइन क्या है कि बच्चे जो हैं उन्होंने एक्सटेंडेड प्रैक्टिस कर ली उनके पास वो स्किल आ गई नाउ दे शुड बी एबल टू मेक कनेक्शंस विद देयर एवरी डे लाइफ उस प्रैक्टिस को अपनी लाइव के साथ रिलेट कर सकें अपनी उस लर्निंग को रिफाइन कर सके इसके बाद की जो स्टेज है हाईएस्ट स्टेज वी कैन कॉल इट हाईएस्ट स्टेज दैट इज परफॉर्म परफॉर्म के अंदर क्या है कि यू कैन मेक कनेक्शंस टू लार्जर आइडियाज़ यू कैन ब्रिंग इनोवेशन यू कैन फाइंड रेलिवेंस होता क्या है हमारे स्कूल्स के अंदर हम बच्चों को कॉन्सेप्ट देते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स में स्किल भी सिखाते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स में स्किल वाला पोर्शन मिसिंग कर देते हैं स्किल वाला पोर्शन होता ही नहीं है मैं इसकी मिसाल देती हूँ कि हम अगर साइंस की बात करें तो साइंस में uh, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक फूड का वेरी इजी दैट्स व्हाई आई गिव एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हमने बच्चों को फूड बताई फूड की डिफरेंट क्लासेस बता दी बच्चों ने वो क्लासेस के बारे में सीख लिया फिर हम बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट दे देते हैं और फिर हम बच्चों की टेस्ट ले लेते हैं और उनकी एग्जाम के अंदर भी पेपर में आ जाता है दैट्स इट। इसमें ये कॉन्सेप्ट है इसमें आप स्किल के ऊपर भी नहीं जा रहे हैं। मैथ्स में उर्दू में इंग्लिश में तो हम फिर स्किल के ऊपर बच्चों को लेकर जाते हैं या फिज़िकल एजुकेशन में भी लेकिन इस इस तरह के कॉन्सेप्ट में सोशल स्टडीज़ में साइंस में तो हम बच्चों को स्किल लेवल पर भी नहीं लेकर जा रहे होते सो व्हाट कैन वी डू हम उनको अगर फूड का चैप्टर पढ़ाया है तो हम बच्चों से रेसिपीज लिखवाएँ ऐसे खानों की विच आर बैलेंस डाइट हम उनसे प्रैक्टिस करवाएँ कि कितनी जो है एक दिन के अंदर जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो कितनी कैलोरीज चाहिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बच्चे बना के लाएं डाइट कॉम्बिनेशन बना कर लाएं हम उनसे डाइट चार्ट्स बनवाएं जिसके अंदर आ, हमें यह पता हो कि इसमें बच्चों को वाइटामस भी मिल रहे हैं कैल्शियम भी मिल रहा है और मिनरल्स भी एक मुनासिब मकदार में बैलेंस मकदार में मिल रहे हैं वी डू नॉट प्रोवाइड दिस ऑपरचुनिटी टू आवर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इस किस्म का कोई अपॉर्चुनिटी हम उनको नहीं देते तो हम इस पूरे के पूरे फोर क्वाड्रेंट्स को हम स्क्वीज कर देते हैं एक क्वाड्रेंट में दैट इज़ कॉन्सेप्ट लर्निंग दैट्स इट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने लर्निंग को पूरे उसके साइकल से ही नहीं गुजारा हाउ कैन वी एक्सपेक्ट इन डेप्थ लर्निंग हमारा फोकस क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना हम अपने लेक्चर्स में इस चीज़ को एड्रेस करते आए हैं कि लेस इज़ मोर लेस विल बी मोर इफ़ वी गो टू ऑल दीज क्वाड्रेंट्स एंड वी फुलफ़िल डिमांड ऑफ ऑल दीज क्वाड्रेंट्स इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं अडेप्टशन वाले पार्ट को कि आपने बच्चों को फूड की हमने एग्जाम्पल ली साइंस के अंदर बच्चों की स्किल भी आपने डेवलप करती है इसके बाद बच्चे जो हैं रिफ़ाइन स्टेज के ऊपर कैसे आएंगे कि आपने उनको कहा कि लाइव्स के साथ इसका कनेक्शन बनाएं बच्चे अपनी ईटिंग हैबिट्स को इवेलुएट करें अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं इसका मतलब ये है कि वो जो लर्निंग है वो किताबी लर्निंग नहीं है बच्चों उसको अपनी जिंदगियों के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर हैबिट्स इसके बाद है अडेप्टशन की स्टेज यहाँ पर जाकर बच्चे जो हैं वो अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कुछ मेथड्स डिवाइस करेंगे जहाँ पर वो कहेंगे कि हमें हमारी ये ये ईटिंग हैबिट्स हैं वो चैलेंज देम हम इनको इस तरीके से लेकर चलेंगे और इसमें इनोवेशन ला सकते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं सो दे टू अडेप्टेसन स्टेज इसी तरीके से अगर हम इसमें हम बात करें उर्दू के अंदर या अंग्रेज़ी के अंदर आप बच्चों को राइटिंग का काम सिखा रहे हैं uh, आपने बच्चों को परसिएसिव राइटिंग सिखा दी है स्किल डेवलपमेंट तक आप आ गए हैं अब आ जाती है अडेप्टशन यहाँ पर आप आके बच्चों से कहें मेक कनेक्शन विद देयर लाइफ इफ़ दे नो हाउ टू राइट अ लेटर दे नीड टू राइट लेटर्स टू न्यूज़पेपर्स लेटर टू एडिटर लिखें या उस लर्निंग को अपनी एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करें अपने फ्रेंड्स को भेजें किसी को भी आप उसमें इंफॉर्म्ड इश्यूज के ऊपर भी आप लेटर्स भेज सकते हैं और या अपने फ्रेंड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में उस लर्निंग को इस्तेमाल करते हैं आई हैव सीन सो मनी पीपल जो कि इम्तहानों को पास करके आते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन उन्होंने बहुत लिखी होती हैं पर वो कौन सी होती हैं सिक लीव है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है ब्रदर्स uh, वेडिंग है इन चीज़ों की लीव एप्लीकेशंस लिखी हुई होती हैं